बड़वानी जिले की ग्राम ओझर में शराब ठेकेदार के लोगों पर आदिवासी युवक से मारपीट का लगा गंभीर आरोप। आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी थाना अंतर्गत आने वाली ओझर चौकी में शराब ठेकेदार के लोगों द्वारा एक आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार एक युवक से कुछ लोग लाठी और डंडों से बर्बरतापूर्ण पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी संगठन एकजुट हो गए और नांगलवाड़ी थाने पर पहुंचकर नारेबाजी धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि वाइन शॉप पर काम करने वाले करण नामक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की थी। जब महिला के परिजनों को बात मालूम पड़ी तो उन्होंने विरोध किया और युवक से मुलाकात करना चाही तो ओझर बुलाकर बोलेरो कार में आए वाइन शॉप के लड़कों ने उनसे मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने STSC सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर 6 आरोपियों की गिरफ्तार किया है और उनका जुलूस भी निकाला। ये परसों सालीकला की एक महिला थी, वहाँ मातपुर वाइन शॉप से मटन लेने गया था या करण करके व्यापारी भी जो काम करता है, ठेके भी काम करता, 1 बजे के समथिंग उसने उस महिला के साथ छेड़खानी करी और छेड़खानी करने के बाद महिला डरी हुई थी। डरी हुई होने के कारण उसने घर नहीं बताया। कल 8 बजे के समथिंग उसके बच्चे को और उसके जमाई को उन्होंने घटना बताई। घटना बताने के पश्चात उसके जमाई और उसके लड़के 2-3 लड़के आए थे और जो जिसने ऐसी घटना करी उसके साथ उसको उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बोला कि मैं नांदड़ में हूँ, नांदड़ में ये गए तो उन्होंने ओझर बुलाया। ओझर में ये लड़के आए थे, ये उनका जब उनका लड़का आया था उसके पश्चात वाइनसो वाले आए थे और बोलेरो गाड़ी लेके आए थे। बोलेरो गाड़ी के साथ में उन्होंने 2 लड़कों के साथ माराठोकी करी, बंदूक की गोलियाँ चलाई और उसके साथ में बहुत सारी माराठोकी करी और सर में चोट आ रखी है। ओझर नांगलवाड़ी थाने के अंतर्गत आता है। रात को एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें 2 व्यक्तियों को 6 व्यक्तियों लोगों द्वारा मारा जा रहा था। उक्त घटना में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 6 व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया और उनके खिलाफ बलवा मारपीट और STS Act के तहत कार्रवाई की गई। जयेश संगठन के कुछ कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए, क्या मांग रही थी? इनकी मांग वही रहती, इसमें निष्पक्षता जाँच करे और आदमी तथ्य मिलता है उस आधार पर जाँच को